वो अभी पिवट टेबल में आपने क्या बनाया कि इन एंड आउट आपने यहाँ बना लिया हुआ है। अब मुझे इसमें क्या करना है कि इसको आगे भेजने से पहले मुझे इसमें इसका डिफरेंस निकालना है, पर पिवट टेबल के अंदर डिफरेंस नहीं निकाल सकते, इजीली नहीं निकाल सकते और कॉम्प्लिकेटेड है बहुत, भी पॉसिबिलिटी है ही नहीं निकालने का। ओके तो यहाँ पे अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और इसको सेलेक्ट किया और इसको कॉपी कर हम इसको एक अलग शीट पे ले आते हैं, अलग शीट पे मैंने पेस्ट कर दिया राइट। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक दो यहाँ लिख देता हूँ, दो हर नंबर को दो दो बार रिपीट कर देता हूँ, बाद में हटा दूँ। नहीं नहीं इसको करने की जरूरत नहीं, नहीं इसको करने की जरूरत नहीं है, माफ कीजिए, ये रहेगा जैसा वैसा रहने दीजिए। एक रो इंसर्ट करेंगे और हर नंबर को दो बार लिखेंगे, ठीक है, हर नंबर को हम दो बार टाइप करेंगे। यहाँ पे प्लस वन कर देते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तब देख रहे हर नंबर दो दो बार आ रहा है। अब क्या करते हैं कि मैं देखा कि जो है तो थर्टी तीन, इधर तीन बार आना चाहिए ना, ये दो बार आया ना, देखना कहाँ से। अब यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ वन करूंगा, टू करूंगा, मैं नंबर को यहाँ पे दो दो बार लिखा पहले सीक्वेंस को, फिर जितना वन टाइम लिखे, ठीक है, तीस बार राइट। इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे लास्ट पे जाता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और फिर हमने डेटा को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हम शॉर्ट पे आते हैं, शॉर्ट में आने के बाद कस्टम शॉर्ट ऑप्शंस लेफ्ट टू राइट हमने सेलेक्ट कर लिया और वन के अकॉर्डिंग हम शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा मैंने नेम को सिलेक्ट नहीं किया, नेम को सिलेक्ट नहीं किया, एक रो आ गया, दो के बीच में एक रो आ गया। समझे, तो हर बार क्या हुआ, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और भी आ गई कि नीचे यहाँ पे आवर्स देना चाहिए था हमको, तो नहीं दे पाया, तो हम उस एक बार तो अंडो कर देता और यहाँ पे जहाँ मैं आउट है वहां पे हम यहाँ पे आवर्स लिख देते, ठीक है, तो इस आवर्स को हम यहाँ से ले लेते हैं। अब हम सॉर्ट करते, यहाँ पे कस्टम शॉर्ट रो नंबर वन के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन शॉर्ट लेफ्ट टू राइट रो नंबर वन एंड ओके। अब मैं ऊपर वाले रो को डिलीट कर देता हूं। अब मुझे क्या करना है कि यहां माइनस करने आउट माइनस इन, एक एक करके करना मुश्किल हो जाएगा ना सर, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, डेटा को सिलेक्ट कर लिया, यानी ऊपर के सिलेक्ट किया जिसमें अपना डेटा सिलेक्ट किया, फाइनल सिलेक्ट के गो टू स्टेशन के अंदर में एक आता है ब्लैंक, मैं ब्लैंक पे क्लिक करके ओके किया थे, ब्लैंक सेल हो गया सिलेक्ट हो गया, फिर आउट माइनस इन किया और हम यहां पे नॉर्मल एंटर ही मारेंगे,
नॉर्मल एंटर मारेंगे तो जो सेल है उसी सेल में होगा। इसके लिए क्या करना होगा, कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट एंटर। मैम आप ये कंट्रोल शिफ्ट नहीं, सिर्फ कंट्रोल एंटर होगा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर नहीं होगा, कंट्रोल एंटर। कंट्रोल शिफ्ट एंटर तो हो जाता है उसके लिए जहां पे एरे होता है। आपके सामने डिफरेंस निकल गया, पर जहां का एरर आ रहा है ना वो एब्सेंट है। एब्सेंट है इसलिए, लेकिन मैं एरर नहीं चाहिए, यहां पे एब्सेंट चाहिए। तो यहां पे मैं इफ एरर का फॉर्मूला लगाऊंगा और यहां लिखूंगा एब्सेंट, ठीक है। यहां पे कंट्रोल एंटर या जहाँ पे भी एब्सेंट था वो एब्सेंट ही रह गया, और जहाँ पे एरर आया था वो ए हो गया। अब फिर मैं यहाँ पे पहले डेट को मर्ज कर देता हूँ, बाकी ड्रैग कर देता हूँ, इसको आ गया। सॉरी गलती हो गई, इसने डेट चेंज नहीं किया, प्लस वन कर देता है। ठीक है सर, ये आपका रिपोर्ट बनके तैयार होगा। अच्छा, तो सेम रिपोर्ट वो पिवट में डिफरेंस करके, डिफरेंस ऑफ करके, डिफरेंस बेसिकली क्या है ना कि आपका जो यहाँ दिख रहा है ना डेट है सर, तो जब डिफरेंस होता है सबका सम होकर डिफरेंस होता है, बट आप यहाँ पे मैक्सिमम ले रहे हैं ना, तो सबका मैक्सिमम निकालेगा फिर उसको डिफरेंस करेगा, फिर उसको सम कर देगा। मुझे क्या है कि यहाँ पे जो आपके पास डेटा है अगर आप पिवट में निकालेंगे तो क्या करेंगे, पुनीत का हो गया तो पुनीत के जितने दिन का है सब दिन का मिनिमम निकालेगा, फिर सब दिन का मैक्सिमम। अभी ये समरी डेटा शीट पे जाइए एक बार प्लीज, जहाँ पे हमने पिवट डाला था ना, हाँ इधर ही डिफरेंस करके, डेट वाइज डिफरेंस करके फॉर्मूला ऐड नहीं कर सकते, नहीं नहीं कर सकते, पिवट के अंदर नहीं कर सकते, ठीक है। पिवट के अंदर जो कैलकुलेशन होता है वो कैलकुलेशन होता है पिवट के अंदर के डेटा के ऊपर, बट मुझे यहाँ पिवट से पाए गए रिजल्ट के ऊपर कैलकुलेशन, समझे। समझ आया सर आपको कि नहीं? हाँ हाँ समझ में आ गया।